हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निकुंज ट्रैवलॉजी। सो अभी हम पहुंच गए हैं सोनगढ़। तो आज हम जा रहे हैं चिमेर वाटरफॉल और गिरिमल वाटरफॉल। दो वाटरफॉल है सोनगढ़ से आगे गौमुख वाले रोड पे, तो हम वहीं पे जा रहे हैं। अभी बहुत दिनों से बारिश हुई नहीं है, लगभग एक वीक से बारिश नहीं हुई है। सो शायद वाटरफॉल नहीं भी हो रहा होगा। देखेंगे वहाँ पे जाके वाटरफॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो फिर अभी हम रुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो चलिए अभी हम करते हैं ब्रेकफास्ट। अभी हमने जस्ट ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अगर वाटरफॉल नहीं हो रहा होगा तो हम कोई और प्लेस जाएंगे, डिसाइड करेंगे। तो हर संडे की तरह हम इस संडे भी निकल गए हैं, तो कहीं और भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिमेर वाटरफॉल ही आपको दिखेगा। सो गाइज, चलिए फिर चलते हैं चिमेर वाटरफॉल की ओर। इस वीडियो में आपको शबरी धाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी हम जा रहे हैं चिमेर वाटरफॉल की तरफ, सिर्फ देखने के लिए कि कितना वाटरफॉल हो रहा है जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में। जस्ट अभी हम पहुंच गए हैं चिमेर वाटरफॉल के पास, और चिमेर तो अभी हम देखेंगे कि कितना वाटरफॉल हो रहा है अभी। तो चलिए अभी देखते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरे बैक साइड, वहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, आपको दिख रहा होगा वहाँ से, लेकिन बहुत ही कम अभी पानी गिर रहा है। सो क्योंकि इसकी वजह यह है कि बहुत ही कम बारिश हो रही है, दो वीक से बिल्कुल भी बारिश हुई नहीं है। सो इसी वजह से हम निकले थे देखने के लिए कि चिमेर वाटरफॉल है तो वहाँ पे पानी अभी कितना गिर रहा है, तो आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, या तो फिर बहुत बारिश के बाद आप जब जुलाई एंडिंग में आ सकते हो या तो फिर अगस्त में आ सकते हो, तभी बहुत ही बारिश ज़्यादा होगी। सो अभी कम बारिश है, इस वजह से यहाँ पे आपको मज़ा भी नहीं आएगा। और अगर अच्छे से आपको वाटरफॉल देखना है तो आपको जुलाई एंडिंग या तो फिर अगस्त में आना होगा। तो मैं आपको अभी सराउंडिंग एरिया दिखा देता हूँ। तो यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा है, ऐसा लोकेशन है ये चिमेर वाटरफॉल के पास। तो अभी यहाँ से नीचे कैसे उतरना है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उस पर एक अलग से वीडियो मैं फिर से आऊँगा चिमेर वाटरफॉल, और आपको अच्छे से दिखाऊँगा उसकी खूबसूरती कितनी है, वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत ही हाइट से ये वाटरफॉल हो रहा है। सो ठीक है, ऐसा लोकेशन है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा चिमेर के बारे में, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। सो आज हम ऐसे ही निकले हैं, संडे है और हर संडे को हम निकलते हैं, तो आज भी निकल गए थे ऐसे ही। सो चलिए फिर अभी और कहीं पे जाते हैं। अभी प्लानिंग में थोड़ा चेंजेस आया है। चिमेर वाटरफॉल पे गए थे हम, लेकिन वहाँ पे इतना वाटरफॉल नहीं हो रहा था, इस वजह से अभी हमने डिसाइड किया है थोड़ा आगे आया है चिमेर वाटरफॉल से, और हमने डिसाइड किया है कि अभी हम जाएंगे शबरी धाम। तो शबरी धाम जो है वो बहुत ही एक पवित्र स्थल है, तो वहाँ पर जाके मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो आज का जो ये वीडियो है वो शबरी धाम पर होगा। चलिए तो फिर अभी गाइस जाते हैं शबरी धाम। अभी हम पहुंच गए हैं शबरी धाम। शबरी धाम में एक श्री राम भगवान का मंदिर है। सो अभी हम दर्शन करेंगे श्री राम भगवान का। सो थोड़ा वो ऊपर है, तो चलिए अभी हम जाते हैं मंदिर के पास और दर्शन करते हैं श्री राम भगवान के।
शबरी धाम मंदिर एक छोटे से डूंगर पे है और ये एरिया काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे बगीचे में बैठ के आप यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स को फील कर सकते हो। शबरी धाम मतलब कि शबरी धाम क्यों कहा जाता है इस प्लेस को, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आपने रामायण में सुना होगा या तो फिर देखा होगा कि एक प्रसंग है रामायण में कि जहाँ पे श्री राम जब वनवास में थे और सीता माता को ढूंढने के लिए निकले थे, तब ढूंढते ढूंढते जो राम भगवान जो थे वो यहीं पर आए थे और शबरी माता को मिले थे। शबरी माता जहाँ पे शबरी माता ने राम भगवान को झूठे बेर खिलाए थे, सो वो जो प्लेस है वो यही प्लेस है, इसलिए यहाँ पे शबरी धाम कहा जाता है। और शबरी जो है वो बहुत ही सालों से भगवान राम की वेट कर रहे थे कि उनको, मतलब इतनी श्रद्धा थी उनको कि वो राम भगवान जो है वो उनके पास आएंगे ही, वो उनको मतलब कि दर्शन मिलेंगे भगवान राम के, तो उसकी इतनी श्रद्धा थी। तो आखिर में जाके श्री राम भगवान ने उन्हें दर्शन भी दिए। तो यही वो प्लेस है शबरी धाम जहाँ पे श्री राम भगवान और शबरी का मिलन हुआ था। मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको यही से बता देता हूँ कि मंदिर में क्या है। तो मंदिर में श्री राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और शबरी, जो वो प्रसंग था उनको बेर खिला रहे थे, वही वहाँ पे फिल्म दर्शाया गया है। तो इस तरह से तीन प्रतिमा है, शबरी माता की, राम भगवान की और लक्ष्मण भगवान की। मंदिर के एग्जिट राइट साइड पे पंपेश्वर महादेव का मंदिर है, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। और अभी हम जा रहे हैं मंदिर से एकदम स्ट्रेट सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम। यह है पार्किंग एरिया, तो अभी हम जाएंगे पंपा सरोवर की ओर, जो यहाँ से 5 या 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो चलिए अभी जाते हैं पंपा सरोवर। शबरी धाम मंदिर के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी रेस्टोरेंट है और वहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी है, तो आप वहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हो। शबरी धाम मंदिर के गेट के एग्जिट सामने जो रास्ता है वो पंपा सरोवर तक जाता है। शबरी धाम से पंपा सरोवर का डिस्टेंस करीब 10 किलोमीटर का है। अभी हम पहुंच गए हैं पंपा सरोवर और ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। आपको खास करके जब बहुत सारी बारिश होगी तब आना चाहिए। अभी ज़्यादा पानी नहीं है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है ये प्लेस। सो गाइस, चलो मैं अभी आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि पंपा सरोवर के पास शबरी माता और भगवान श्री राम का मिलन हुआ था। फिर वहाँ नज़दीक एक छोटे से डूंगर पे जाके शबरी माता ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। उस स्थान को आज हम शबरी धाम कहते हैं।
ये है पंपा सरोवर और शबरी धाम। बहुत ही पवित्र स्थान है ये, यहाँ पे आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, आपको यहाँ पे शांति मिलेगी। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो शबरी धाम जो है वो आहवा नवापुर रास्ते पे है और आहवा से लगभग 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो, रास्ते भी बहुत ही अच्छे हैं। सो गाइज, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। चलो ध्रुव।